कियानी भाई इस वक्त हैं गुडानी बीच पे। यहाँ पर आज पूरा दिन रहेंगे, फन क्रिएट करेंगे और बोटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम गुजारा जाएगा। बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा यहाँ इंशाल्लाह, और अच्छा बीच है और मज़ा आएगा। कराची में हम लोगों ने सी व्यू देख लिया, ऑक्स पे देख लिया, क्लिफ्टन, तमाम जगह देख ली, इवन कि हम लोग वहाँ पर गए मुबारक विलेज भी, लेकिन ये जगह हमसे रह गई थी। तो आज जाते हैं बीच पे और इन्जॉय करते हैं। अभी हम थोड़े से स्नैक वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे और थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट वो बनाते हैं, फिर आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे बोटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर फेयर्स पता किए हैं बोटिंग के, तो वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने गुडानी ब्रेकिंग यार्ड जाना है, वहाँ से वापस आना, तो 2000 रुपये, और अगर यहीं घूमने तो 500 रुपये में, और अगर सवारी के हिसाब से अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर 100 रुपये सवारी के हिसाब से आपको ये करीब करीब ना घुमा देंगे। अभी हमने बोट हायर कर ली है और जाते हैं थोड़ा सा डीप सी में, डीप सी में तो नहीं लेकिन थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, 400 में 3 लोग और 10 से 12 मिनट में वापस आ जाएंगे। हम यहाँ से कहेंगे समोसा चाट, ये ठेला लगा हुआ है गौसिया चाट हाउस के नाम से, और
और बाजार दिखने में अच्छी लगी इसलिए हमने ऑर्डर दे दिया 3-4। आप पंजाब में कहाँ से हैं? मैं पिंडी से। पिंडी से? पिंडी कौन से भले से? इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद किस जगह से? पिंडी बताएं। आप पिंडी बताएं। मैं टोक कसू टोक आला खान और टोक रत्ता अमराल और गिलास फैक्ट्री। हाँ 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 कोड़े आना आता पुराने कोड़े आना आता। हाँ हम भी पिंडी में पिंडी वेस्टर्न में। चीज़ है ये तो इमली वाली चटनी है, ये दही है, दही है। और ये कौन सी चटनी यार? इमली वाली चटनी हो गई और ये हो गई पता नहीं कौन सी चटनी है। ये पुदीने वाली। मैं इश्क में फंस गया 22 साल हो गए। रिश्ते में फंस गए? शादी कैसे की आपने? बलोचों में शादी। अच्छा, बलोचों में शादी। ये था हमारा आज का व्लॉग गडानी। गडानी बीच के हवाले से बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बोटिंग की और सी साइड बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत बीच है। आप भी आएँ और खसूसा वीकेंड में आएँ तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बहुत प्यारी जगह है, नीट एंड क्लीन है, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है कराची से, तो इतना दूर भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।